जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं जया एकादशी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं नियम। जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके पापों का अंत होता है और आपको मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में कथा का पाठ करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। आपको बता दें कि जया एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। जया एकादशी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है और शाम को पूजा करके लोग फलाहार करते हैं। जया एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि कब है जया एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर हो जाएगा और 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक यह तिथि रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस व्रत के दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग भी बन रहा है। इस वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय होता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। जया एकादशी व्रत की पूजन विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले मिष्ठान और पीले वस्त्र दान करें। भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।